गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने यहाँ पे नवरात्रि में जवारे बोए हुए हैं, घट स्थापना की हुई है, और मैं हर साल नवरात्रि व्रत करती हूँ और घट स्थापना करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी माता की चौकी सजाई हुई है, और ये जो आप कपड़े लहंगा चोली देख रहे हैं, ये मैं अपनी माता के लिए खुद अपने हाथों से बनाया है। इसका वीडियो अगर आप देखना है तो आप हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पर जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी पूजा करने के बाद में और मैं रोज शाम को आरती करती हूँ। मेरी दो तीन चार फ्रेंड हैं मेरी सोसाइटी की, सब साथ में आके आरती की आवाज़ सुन के आ जाती हैं और साथ में हम लोग आरती करते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सत्संग करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं माता का। ये छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी कोई भी त्यौहार हो तो अकेले मनाने में वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, जब ज़्यादा लोग हों साथ में, सभी लोग हों तो मनाने का उसको कुछ आनंद ही अलग है। और यहाँ पे हमारे जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं सब आ जाते हैं, सुबह आरती में भी आते हैं तो आ जाते हैं, और नहीं तो शाम को सब मिलके माता के बहुत अच्छे अच्छे भजन कीर्तन करते हैं और अपनी मैया को मनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरे परिवार, मेरे पति और मेरे सभी जितने फ्रेंड्स हैं और मेरे रिश्तेदारों, सबके ऊपर अपनी दया का हाथ रखना, सब पे कृपा करना और सबकी बिगड़े हुए काम बनाना और सबको आशीर्वाद देना। इसके बाद में हम लोग शाम को अपनी माता रानी के दरबार में जाते हैं, घर घर ढोलक बजते हैं और कीर्तन होते हैं, माता के जय जयकारे लगते हैं। तो सबके यहाँ जहाँ भी जब काम से सब निवृत्त होके सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे गाना बजाना करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब माता का यहाँ पे जब प्रोग्राम चलता है और सब सारी जो हमारी सखी सहेलियाँ हैं सभी नाचती गाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जय माता दी।
अपनी फ्रेंड के यहाँ आई हुई हूँ और इनका जो प्रोग्राम है माता रानी की जो इन्होंने दरबार सजाया है बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि कोई अलग अलग स्टेट का है, यहाँ पे सब एक जैसे ही धुन में सब रम गए हैं और यहाँ पे पूजा आरती भोग लग गया है, सबको प्रसाद आरती मिल गई है और यहाँ पे अभी बधाई गीत चल रहा है और प्रसाद बट रहा है यहाँ पे। तो देखिए कितना सारा इन्होंने सुहाग का सामान ला के सभी जो भी सखी सहेलियाँ आई हैं सबको इन्होंने दिया है।
तो यहाँ का जो माता का दरबार जो सजाया था बहुत अच्छा था। यहाँ के जो प्रोग्राम करते हैं खास करके वो प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम गांव की फीलिंग आ गई, गांव से भी अच्छा। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को प्यार सम्मान में, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। तो अभी हम सब लोग यहाँ पे प्रसाद लेंगे, और प्रसाद लेके बस सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। और सभी लोग सभी आए सभी संतान लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाल के हमारे माता के दर्शन करके उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सभी। गाय कलाकार, गाय कलाकार बहुत अच्छा लगता है ये करना हम लोगों को। हम चाहते हैं कि रोजाना ऐसा ही होता रहे। मौका मिले माता रानी पंचायत बनाने के लिए।